आज जरा खाने की देखभाल कर लेना, देव लाइन से पहले आ जाएगा। मैंने बावर्ची को ऑर्डर दे दिया है शीला, देखो तो ये लोग आ ही नहीं चुकते। मम्मी डैडी रवि, ये क्या बदतमीजी है उल्लू कहीं का। मम्मी तो डैडी को सिगार पीने के लिए मना करती हैं। स्वीट किड, स्वीट किड। चलिए ना डैडी, किशोर मेरे डांस के लिए इंतजार कर रहा होगा। कब? अंकल, आज मैं भी डांस पे चलूंगी। हाँ हाँ चलो। यहाँ खाना कौन देखेगा? कहा तो मैंने बावर्ची को ऑर्डर दे दिया है, तुम वहाँ जाकर करोगी भी क्या? कोई तुम्हारे साथ डांस नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। मैं तो खाली तमाशा देखना चाहती हूँ। डांस को बंदर और बंदरिया का तमाशा बना रखा है क्या? क्या फर्क है? यहाँ पर टुकटुकी की आवाज पर बंदर और बंदरिया नाचते हैं और वहाँ पर बाजे की आवाज पर लड़का और लड़की। क्यों सोनिया? हेलो, हाउ डू यू डू। गुड मॉर्निंग टू यू सर। गुड मॉर्निंग। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जरा ये कोट तो दिखाइए। ये सा अजी, ये क्या कोट है? कोट आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी कीमत क्या है? कीमत इंसान की हुआ करती है। क्या कीमत होगी इसकी? जी जी, सिर्फ 300 रुपए। अंकल, मुझे भी ये स्वेटर ले दीजिए ना। तुम्हें पसंद है? सोनिया, 2-3 तो है तुम्हारे पास घर पे। मगर मैडम, ये तो सिर्फ 40 रुपए का है। सिर्फ 40 का है? 40 रुपए भी क्यों बेकार जाया किए जा, ये लीजिए। सोनिया, कुछ फल लेके घर आ जाना जल्दी से, और ख्याल रखना कल वाले फल खराब थे। मैं जरा कम बोलने का आदि हूँ मैडम। सोनिया मेरे स्वर्गीय बड़े भाई की बेटी है, फिर माँ भी मर चुकी है उसकी। आपको तो बात बात पर गुस्सा आ जाता है, दिन रात तो ख्याल रखती हूँ उसका। रात को तो बेचारी सो जाती है, दिन को ख्याल रखे तो बड़ी मेहरबानी हो। और किस तरह ख्याल रखूँ? जो जी चाहता है वो खाती है, जो जी चाहता है पहनती है। ये हक तो नौकरों को भी होता है, जरा इतना ख्याल रहे कि वो अपनी मालूम हो, नौकरानी न मालूम हो। कोई क्या करे, भगवान ने सूरत ही ऐसी दे दी है उसको। सूरत तो खुश रहने से निखरा करती है मैडम, कोई प्यार करे तो यही लड़की चांद का टुकड़ा मालूम हो। आप पूछेंगी या मैं पूछूं शीला? मेरा ख्याल है आप ही पूछिए, वैसे मौके से मैं भी टपक पड़ूंगा। शादी ब्याह का मामला जरा टेढ़ा होता है। आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ बिटिया, तुम्हारे डैडी तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। हाँ, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये श्री देव जो हैं, ये तुम्हारे 150 दोस्तों की तरह 151वे हैं या इनमें तुम कोई खास दिलचस्पी ले रही हो? खास का मतलब ये कि प्यार। ये प्यार का लफ्ज़ तो बहुत पुराना हो चुका है मम्मी। आजकल की दुनिया में तो सिर्फ एक ही बात रहती है, किसी चीज की जरूरत और उसका हासिल करना। हासिल करने की जरूरत उन्हें पड़ रही है या आपको, या आप दोनों को? दोनों को। करता क्या, पैसे वाले को काम करने की क्या जरूरत? नौजवान है, रईस है, खूबसूरत है, और जब ये सब चीजें हैं तो दिमाग तो भगवान ने दिया ही दिया होगा। हो सकता है हर चीज से घर भर के दिमाग में भूसा भर दिया हो। हेलो विजय। हेलो मम्मी। हेलो जेंटल। हेलो, हाउ डू यू डू? फाइन फाइन। लेट मी हेल्प यू।
सिगरेट सुलग चुकी है, अब मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ चलिए चलिए। आ गया, आने वाला है, देखोगी तो फड़क उठोगी। फड़कने के लिए तो बहुत से नौजवान मौजूद हैं, हस्बैंड में तो एक ही खूबी होनी चाहिए, समझी? 2 लाख सालाना की आमदनी है। ये बात हुई कुछ, अब नजर की दाद देते हैं। चलो चलो। तेरी तस्वीर चली आई है बहलाने को, और दीवाना बना रखा है दीवाने को। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। अब दूर नहीं वो जान वफा, नमकीन समा रंगीन सफर, कोई देखे दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। अपना कुछ घटने लगा, कुछ रुकने लगा, मौसम की शरारत का मंजर, कोई देखे दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। समझाती हुई ये इश्क भी तो है एक चक्कर,
कोई देखे कोई देखे, दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे कोई देखे, बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे कोई देखे, दिल थाम चले हम। मना करती थी, सब गौर से देख रहे हैं कि कौन जानवर है जिसके साथ कोई डांस नहीं करता। खैर मैं कपूर से कहती हूँ मुझे डांस नहीं करना है, मगर सुनो तो सही। क्यों बेचारी को तंग करती हो, दुनिया में सभी खूबसूरत थोड़े ही होते हैं। सोनिया कॉफी नहीं आई अभी तक? हैरान थी कि सोनिया शीला की बहन कैसे हो सकती है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और यही फर्क तो मुझे और सोनिया के मामे भी था, बिल्कुल सोनिया की तरह उजड़ गवार बदसूरत, इसीलिए तो उसके बाप ने उसकी जिंदगी में दूसरी शादी कर ली थी। और वो लड़की, मेरा मतलब है अंकल की दूसरी बीवी, तुम कहती थी ना मम्मी बड़ी खूबसूरत थी। हाँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। लेकिन क्या किस्मत, मोटर के एक्सीडेंट में दोनों मर गए। और सोनिया की माँ, उसका क्या हुआ? वो तो उनकी जिंदगी में ही तड़प तड़प कर मर गई। बहादुर। हाँ जी। कॉफी अंदर ले जाओ। अब गड़े मुर्दे उखेड़ने से क्या फायदा? तुमने शीला देव से कह दिया है ना कि तुम्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं? कह दूंगी, शायद उसे ये शर्त पसंद ना आए, इसलिए कह रही हूँ। वो आपका जमाना गया दादी, ये मॉडर्न जमाना है और मॉडर्न जमाने में बच्चों की कोई गुंजाइश नहीं। अगर सब शीला के ख्याल के होते दादी तो आज हम लोग यहाँ दिखाई न देते। तुम्हारी राय कौन पूछता? क्यों, क्या मॉडर्न जमाने में किसी को राय देने का भी कोई हक नहीं? वो जिंदगी ही क्या है जिसमें दो चार बच्चे ना हो? दो चार ही क्यों, पूरे दर्जन क्यों ना हो? पूरे दर्जन भी हो सकते हैं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर मेरे एक दर्जन बच्चे हो। ये क्या बदतमीजी है सोनिया, हर लड़की को माँ बनने का शौक होता है शीला, चाहे मर्द से सुखी रखे या दूसरी शादी कर ले और तड़पा तड़पा कर मार डाले। तड़प तड़प कर मरने के लिए भी तुम्हें एक मर्द ढूंढना पड़ेगा, जो तुम समझती हो मुझे नहीं मिलेगा। ये तो मैंने नहीं कहा। मतलब तुम्हारा यही है, क्यों नहीं मिलेगा मुझे? क्या कमी क्या बुराई है मुझमें? एक नहीं 10 मिल सकते हैं।
पागल हो गई हो सोनिया? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, हर कोई मुझे को जानता है, मुझे कोई कुछ नहीं कहता। मैं जितना ऐसे डरती हूँ ये और भी मेरे सर के बालों को आती है। बताओ ना क्या बुराई है मुझ में और क्या अच्छाई है तुम्हें जो मुझ में नहीं। तो तुम भी ले आओ ना कोई देव जैसा ढूंढ के। देव जैसा ही क्यों, देव से अच्छा भी ढूंढ सकती हूँ। ये बात है, अपनी अपनी तलाश है शीला। तुम हुसन का खरीदार ढूंढती हो, मैं दिल का। लेकिन अफसोस तो यह है मेरी बहन कि दिल का खरीदार ढूंढने के लिए भी थोड़े बहुत हुस्न की जरूरत पड़ती है, तबीयत की रंगीनी की जरूरत पड़ती है, अदाओं की जरूरत पड़ती है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं। इस कमी को मैं पूरी कर लूंगी। कैसे? जैसे भी होगा, आखिर हम भी तो सुने। मैं तन मन से उसकी सेवा करूंगी, उसे अच्छे से अच्छा खाना पकाकर खिलाऊंगी, अपने हाथ से कपड़े पहना के काम पे भेजूंगी, दरवाजे पे खड़ी होकर उसकी वापसी का इंतजार करूंगी। और रात को उस वक्त तक उसके पैर दबाती रहूंगी जब तक वो सो नहीं जाता। लेकिन सोने वाले के पैर तो जब भी दबाओगी ना, अगर वो मिला। मुझे मिलता है या नहीं तुम इसकी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो कि तुम ऐसी होटलों और क्लबों में हर लड़के के साथ तिगनी का नाच नाचने वाली हुरपरी के साथ कौन जिंदगी गुजारता है। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो सोनिया, लेकिन बगैर इसके तुम्हारी जहालत का पता भी कैसे चल सकता है। जब तुम खामोश है वापस नहीं करूंगी, कभी वापस नहीं करूंगी। Shut up, सोनिया। क्या क्या बातें शीला कह जाती है, आप उसे कुछ नहीं कहते, आप ही मुझे को डांटते हैं। सोनिया जब तक तुम शीला से माफी नहीं मांगोगी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो अपने कमरे में जाओ। ये भी नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ जाओ। नहीं 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 मत जाओ। वाह क्या बात है तुम्हारी, हिंदुस्तानी और अंग्रेजी तारीखी किताबों में तुम्हारे जैसा मेजर जनरल नजर से नहीं गुजरा। मिस्टर देव मेहरा। खुश में जरा सोचो तो सही। मिस्टर देव मेहरा। हेलो देव। हेलो शीला। आ दे तुमको सबसे मिला दूं। ये मेरी प्यारी बेटी शीला और ये सचमुच मेरे पति ही मालूम होते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। गौर से देखो तो गले में पट्टा भी पड़ा होगा। दादी भी क्या खूबसूरत जुमले करते हैं। समझदार की मौत है। रवि होश में आ। बच्चा है। आओ देव आ बैठा। अच्छा और सुना दे। सोनिया जी बच्चे कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। सोनिया देखो तो क्या कह रहा। आंटी ये काम आपका है। देव मुझे याद है
क्या कहा सोनिया तुमने? मैंने कहा बावर्ची खाने का काम आपका है, आपको ही जाना चाहिए। ओह, देख जरा खाना देख लूं। घर वाली को तो चैन ही नहीं मिलता। और बहादुर, बीबी जी को बावर्ची खाना दिखा देना, 20 साल में दूसरी दफे जा रही है, कहीं रास्ता ना भूल गई हूँ। सोनिया जाके जरा देखा तो गेस्ट रूम ठीक है या नहीं, और देव का सामान वहीं लगवा देना। अंकल, मर्दों का काम मर्दों को ही करना चाहिए, ये काम आपका है। राइट 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 राइट, यू आर राइट माय गर्ल। लाइक टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक देव? आई वुडन्ट माइंड। सोनिया जरा लेमन स्वैश। ओह एक्सक्यूज मी देव, सोनिया जरा रहम करना, यू हैव मेड सच अ वंडरफुल स्टार्ट। जी नहीं शुक्रिया। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, आप रह गए समझिए। जी मैं बिल्कुल एट होम हूँ। आप आराम से बैठ जाइए ना। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं जी, ये बात है अब कुछ और कुछ चाहिए आपको? जी मैं अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धो लूं। Why not? इसमें शर्माने की क्या बात है, आइए ना। आप तकलीफ न कीजिए, आप सिर्फ मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। वाह, आप तो मेहमान हैं हमारे। अरे अरे, अनाड़ी, बिल्कुल अनाड़ी लड़की है। आपका कमरा। आप सीटी बहुत अच्छी बजाते हैं। आप नहीं बजा सकती हैं क्या? जी मैं, जी हाँ मैं भी बजा सकती हूँ। बजाइए ना इस तरह। यूं नहीं, इस तरह। आप कोशिश कीजिए, मैं जरा हाथ में धोकर अभी आता हूं। घबराइएगा नहीं, बजेगी जरूर सिटी। ब्रावो, वंडरफुल। क्या कहा था मैंने, क्या खूबसूरत सिटी बजा रही हैं आप। अरे मैं तो समझा था आप हैं, ये तो शीला की सिटी की आवाज है। कोई बात नहीं, वो सिखा देगी आपको। ये तो बड़ी काम की चीज है, और अगर किसी से प्यार हो तो लाख रुपए की। मैं और शीला तो कभी कभी सिटियों में ही बातें करते हैं, 50 आदमी बैठे हो कोई समझ नहीं सकता। क्यों कर? किसी से कहिएगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, जानती हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। सुना आपने, कहती है तुम बहुत प्यारे हो। आपको मालूम नहीं कॉलेज भर के लड़के शीला की मुस्कुराहट पर आंखें बिछाने को तैयार रहते थे, और वो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। मैं अपने आप को बादशाह समझता था, पृथ्वीराज चौहान के खानदान का।
अब आपने क्या कहा? मैंने कहा दुनिया में बहुत हसीन देखे मगर तुम सा नहीं देखा। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे प्यारे झूठे कहीं के। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा काश मैं इस वक्त आपके करीब होता। और इसका मतलब आप लोग पागल हैं। इसका मतलब मोहब्बत बकवास है। इसका मतलब गो टू हेल, जहन्नम में जाओ। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार, प्यार दिलों का करार। डी ओ आर ई बोर। नजर की खेल एक अदा का, बुलाने वाला प्यार झूठा वफा। दिल मिलाकर दिल से देखो क्या है रंगे बहार, क्या है रंगे बहार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। प्यार, प्यार दिलों का करार, प्यार दिलों का करार। B O R E बोर। होंठों पे एक हया आंखों में, दोनों जब टकराए प्यार में साथ में। जो वफा ना हो तो ये है दो घड़ी का कुमार, दो घड़ी का कुमार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार, प्यार दिलों का करार। B O R E बोर। और खुद भी हंसी हो सारे जहां में, हम किसी से नहीं हो। जिसने धोखा आंकता है ऐसे धोखे हजार, ऐसे धोखे हजार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। प्यार, प्यार दिलों का करार, प्यार दिलों का करार। B O
मालूम हो गया, अच्छी तरह मालूम हो गया। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। पागल कुत्ते ने मुझे काटा था जब मैंने कहा कि मैं देव को अपना बना लूंगी। अगर ना बना सकूंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे, पहले से भी ज्यादा हंसेंगे। मगर हो भी क्या सकता है, मुझ में धरा ही क्या है कि कोई मुझे पसंद करे। आखिर मुझ में क्या खराबी है दादी? एक आध खराबी हो तो बताई भी जाए, तुझे तो सर से पैर तक ओवरऑल करना पड़ेगा। इतरा ये चश्मा क्यों लगाती है? मेरे सर में दर्द होता है दादी। जब तक लगा रहेगा मर्दों के दिल में दर्द नहीं पैदा कर सकती। अब चल उठ, हाथ मुंह धो ले जल्दी। आपने मेरे बाल क्यों काट दिए? इसलिए कि आजकल मर्दों को औरत के लंबे बाल पसंद नहीं आते। क्यों दादी? शायरों ने मर्दों के बालों की तारीफ शुरू कर दी है, अब इन्हें औरतों के बाल क्यों पसंद आने लगे? फरमाते हैं, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले दिल मचले। ले पाउडर लगा दादी। लगा जल्दी। आंखों में सुरमा लगा। मालूम होता है दो हिरण जख्मी किए सयाद ने एक तीर से। अब जल्दी से होठों पे लिपस्टिक के शोले भड़का दिल जलाने के लिए। अब मेरी जान जल्दी से कपड़े बदल लो। अब मालूम हो रहा है बिजली गिरेगी कहीं ना कहीं। हाँ देखो तो किस तरह लहरा की चलती है। अरे ये चलती है कि जमीन पर उत्तू करती है? देख मैं बताती हूँ। एक हाथ से यूं पल्लू पकड़, और फिर यूं चल यूं। हाँ दुनिया चीख उठेगी कि गोरी जरा धीरे चलो कहीं कमर न लचके। अंग्रेजी नाच जानती हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़े से काम नहीं चलेगा। फर्ज करो कि मैं देव हूँ। और मैं? तुम हो, और कौन? मैंने तुम्हारे तरफ नाच का इशारा किया, तुम आगे बढ़ी। अब नजरे शर्मा के झुकाओ, मुंह पे मुस्कुराहट रहे। हाँ कभी कभी आंखें भी बंद कर लिया करो, जैसे कि जज्बात मचल रहे हों और तुम उन पे काबू नहीं पा रही हो। आंखें खोलो, उसकी तरफ देखो। अब जरा घबराओ, फिर नीची नजरें करो। ये है वो अदाएं जिनके चारों तरफ मर्दों की खोखली खोपड़ियां घूमती हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारा डांस का कंपटीशन शुरू होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी भी कंपटीशन रेसिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। विनर इवन मनी का घोड़ा भी जीत सकता है और 100-1 कप यू कैन बट विनर।
You can't be the winner. And even, you can't be the winner. Competitors, please. Sheila, may I have the pleasure of this dance? May I, Miss Sheila? I'm sorry, Dev. Aaj competition night hai aur ye Calcutta ke mashhoor champion hai. तुम उसे डांस क्यों नहीं करती? करूंगी, पहले इस काबिल से हो जाओ। मैं शीला। देख, चैंपियन फ्रॉम मद्रास। क्या हुआ? पतंग उड़ाई है कभी आपने? या। बस ये मालूम हुआ कि आप सारा झुके और फिर पतंग काट ले गए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एक पतंग कट जाती है तो दूसरी उड़ाई जाती है। I will dance with you. Oh no! मुझे डांस आता ही नहीं। Oh yes, मुझे भी नहीं आता। Champions from Zimbabwe. गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, बालों में किसके रात बसे, देख के किसको सुबह हंसे, बोलो कौन 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 शकीला। गाल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, लंबी बाहें किसके हैं, तेज निगाहें किसकी हैं, चूम के किसको हवा चले, देख के किसको चांद जले, बोलो कौन 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 जमीला। लंबी बाहें किसकी हैं, तेज निगाहें किसकी हैं, फूल बरसते बातों से, दिल को लूटे घातों से, जो बिजली को शर्माए, देख के जीना आ जाए, बोलो कौन 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 लीला। फूल बरसते बातों से, दिल को लूटे घातों से, रंग दमकता किसका है, रंग दमकता किसका है, जलवा जादू करता है, शिमला भी दम भरता है, बोलो कौन 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 शीला। रंग दमकता किसका है, रंग चमकता किसका है, गाल गुलाबी नैन शराबी, लंबी बाहें तेज निगाहें, रंग दमकता अंग चमकता, बोलो 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 कौन बढ़िया। Thank you.
कांग्रेचुलेशंस टिम्बक्टू चैंपियन। थैंक यू। हार्ड लक सिमला चैंपियन। देव, अगर मैं जानती तो तुम्हारे साथ ही डांस करती। गया वक्त पलटा कर ला नहीं सकता, नहीं तो तुम्हारे लिए ये भी कर गुजरता। क्या खूबसूरत डांस किया है तुमने। तुम इस रॉक एंड रोल को डांस कहती हो? क्यों नहीं, इट्स अ ग्रेट आर्ट, वेरी ग्रेट आर्ट। यूरोप का एक मशहूर डांसर पागल हो गया, पागल पर मैं रॉक्स पर जाकर रोल किया करता था। जब मर गया तो इस ग्रेट आर्ट का नाम रॉक एंड रोल रखा गया। सुबह का क्या प्रोग्राम है? तुम्हारे मेहमान हैं, तुम बनाओ प्रोग्राम। कल सुबह शिमला की सैर को चलेंगे। सुबह सुबह शिमला जन्नत मालूम होता है, जन्नत। कभी कभी फरिश्ते रास्ता भूल कर निकल आते हैं, काले काले बादल चमकती हुई बर्फ का यूं मुंह चूमते हैं जैसे भंवरे सफेद सफेद फूलों का मुखड़ा चूम रहे हैं। बुढ़ापे की गोली है, जब तक न खाऊं रात को नींद ही नहीं आती। ओ, स्लीपिंग पिल है। सोनिया जी, आपके लिए दूध। हाँ, देखो बहादुर, आज शीला को मैं ही दूध दे दूंगी। सुबह बिगड़ी हुई थी, इस वक्त खुश है। सोनिया बीवी जी अजीब मूड है। तूने क्या, जा। आ, दादी, दादी, आपके मुंह में जरा सा कचरा लगा हुआ है। कचरा? हाँ, मैं निकाल देती हूँ। कहाँ है? ओ, गया, गया। दादी, दूध। जीती रहो। गरम दूध वक्त से मिलता नहीं, आदतें बिगड़ी हुई हैं। दादा मरहूम कहते थे, जब तक कोई गरम गरम दूध प्यार से ना पिलाए कभी नहीं पियो। आज बड़ी खुश नजर आ रही है सोनिया। देखो भाई, चार दिन की जिंदगी में झगड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने तो सोच लिया है कि सच्ची खुशी तो सिर्फ दूसरों की सेवा करने में मिलती है। आह आह, जैसे जैसे दूध गले के नीचे उतरता जा रहा है वैसे मेरा खून बढ़ता जा रहा है। सो जा राजकुमारी सो जा, सिंगले भर की प्यारी सो जा। बेचारा अकेला भटक रहा है। अभी चल दादी, स्केटिंग का बहाना कर दूंगी। अकेली मत जाना, रवि को साथ ले लो। पहले नखरा करना। नखरा? सूरत 100 नूर, कपड़ा 1000 नूर, जेवर 1,00,000 नूर और नखरा 1,00,000 नूर। दादी अलफ मदा खेमाकूफ आख, अलफ मदा खेमाकूफ आख, अलफ मदा खेमाकूफ आख, अलफ मदा खेमाकूफ आख। आख नहीं आख। आख नहीं आख। आख। ओह हेल, ये उर्दू जुबान बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं। हाउ डू यू नो, मैं 7 दिनों से इसे सीख रहा हूँ, पकड़ी में नहीं आती। तुमने ये जुबान कितने सालों में सीखी थी? सालों में नहीं, सिर्फ 1 दिन में सीखी थी। आह शख्स, हमारे पड़ोस में एक मुंशी जी रहते थे, वो हमें उर्दू गा के पढ़ाते थे। I don't believe it. इसका तो पढ़ना ही मुश्किल है, गाना impossible. अगर मैं यूं सिखा दूं तो? Oh man, tell it to your grandma. Listen then, grandfather.
जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो अज बेजबरबा बेजर बे बे पेशबो अलिफ से अबन अबिन बिहुर मन अबन अबौवा बे से बबन बबिन बिहुर मन बबन बबौवा अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो भगवान और पैसे परवाना और पैसे परवाना जो ना माने क्षमा को दीपक होगा कोई दीवाना होगा कोई दीवाना अल जबरा अल जरे अल पेशो अज पे जबरबा बेजर बे बे पेशबो अलिफ से अपन अभिन बिहुर मन अपन अबौवा हते से बबन पबिन बिहुर मन बबन बबौवा अल जबरा अल जरे अल पेशो कबूतर वैन गटर हूँ बोले वैन गटर हूँ बोले ना से नैया डाल से दिल की है से हाय डोले है से हाय डोले अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो अज पे जबरबा पे जर बे बे पेशबो अलिफ से अपन अबिन बिहुर मन अपन अबौवा पे से बबन पबिन बिहुर मन बबन बबौवा अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो सीधी कोतवाली फिर सीधी कोतवाली मीम से मेहनत दो हाथों की और कैसे खुशहाली और कैसे खुशहाली अल जबरा अल जरे अल पेशो अज पे जबरबा पे जर बे पे पेशबो अलिफ से अपन अबिन बिहुर मन अपन अबौवा पे से बबन पबिन बिहुर मन बबन बबौवा अल जबरा अल जरे अल पेशो अल पे पे ते ते से जिम चे हे 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 दाल 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 दर रे रे जे जे सिंग सिंग स्वास तो ते पे पे एनन का पब गे गे लम नु हे ये अल जबरा अल जरे अल पेशो अलिफ जबरा अकेले मरो मीम जबरमा मच्छर मारो ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप शिमले के शहर को इस वक्त शिमला जन्नत नजर आता है जन्नत कभी कभी फरिश्ते रास्ता भूलकर निकल आते हैं काले काले बादल चमकती हुई बर्फ का मुंह यूं चूमते हैं जैसे भंवरे सफेद सफेद फूलों का मुखड़ा चूम रहे हो मेरा भी ये जन्नत देखने का प्रोग्राम जरूर था मगर वो आपकी हूर मिस शीला देवी अभी तक सो रही है लंच के बाद ही उठती है सच झूठ बोल रही हूँ अरे उनका इंतजार किया तो बूढ़े हो जाएंगे आप और वैसे थोड़े बहुत हो भी चुके हैं ओह हेलो यंग मैन हाय ओल्ड मैन नो लक बहुत जगाया शीला नहीं जब तो मैं आप ही के साथ चलता हूँ देखिए मिस्टर कल तरस खाकर डांस कर लिया मैंने तो आप इसका नजायज फायदा उठा रहे मगर हर्ज क्या है आप तो अकेली जा रही हैं मुझे अकेले घूमने में मजा आता है यकीन मानिए कंपनी का मजा कुछ और ही है तो फिर एक शर्त पर जो कुछ मैं कहूँगी करना पड़ेगा अगर आप मर जाने का हुक्म देंगी तो भी मंजूर कर लूंगा मरने वालों की सूरतें कुछ और ही हुआ करती हैं खैर चलिए जस्ट अ मिनट
कोशिश की मगर एक कामयाब न हो सका। इसमें कौन सी बड़ी बात है? That's easy. भागो 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 बहुत भागो बहुत बहुत यार डूइंग वंडरफुल वेल वेल भागो जोर से भागो भागो बहुत भागो भागो बेटान बेटान मिस्टर डेव कमाल कर दिया आपने तो अब आइए नीचे जल्दी जल्दी आइए ना। किस तरह? मुझसे पूछे गए थे। आपकी तो वही मिसल है कि बेटा चढ़ जा सूली पर राम भला करेगा लेकिन दिखा दूंगा कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर देव कोई और भूली हो जाता याद आई मैं आपको जब बहादुर मानूंगी बिना जीन के घोड़े पे बैठ जाऊं। जीन के साथ तो साइज भी बैठ जाते हैं। आप तो मुझको मारकर ही दम लेंगी और मुंह घोड़े की तुम की तरफ रखना। तुम बहादुर हो। अगर बहादुरी का यही सिलसिला जारी रहा तो दम निकल चुका होगा और खाली हड्डियां बहादुर बनी अकड़ रही होंगी। मैं यहाँ से नहीं कूद सकता। मैं बहादुर बहादुर नहीं हूँ। सुनो तो सही, वो सामने होमगार्ड मार्च कर रहे हैं ना, जिसकी बंदूक की चमक तो ये नोक नजर आ रही है। हाँ वही। मुझे नहीं दिखाई देता, उसका खून मुझसे नहीं होगा। फिर वही। हाँ छोटी सी तो बात है, मुझे उसकी हेलमेट पसंद आ गई है। हाँ हाँ आसान सा तो काम है। देखो आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाओ, एक सारा सी हेलमेट ऊपर उठा के एकदम रुसे खींचो और भागो बस। और भाग के सिर्फ 6 महीने सेंट्रल जेल में गुजार दो बस। तुम पकड़े थोड़ी जाओगे। अच्छा? हाँ वो होमगार्ड थोड़ी है, वो तो एक पागल है। लेकिन उसके पास बंदूक कहाँ से आई? असली बंदूक थोड़ी है, इतना भी नहीं समझते। फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। नहीं मुझे हेलमेट वेलमेट नहीं लाना। नहीं 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 नहीं।
इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या हो सकती है? जो तुम कहती जा रही हो वो मैं करता जा रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में तुम बहुत बहादुर हो, बहुत अच्छे हो। दादा मरूम ठीक ही कहा करते थे। क्या कहते थे? बेटा अकल और मोहब्बत में सख्त दुश्मनी है। मोहब्बत में हर दीवानापन औरत को पसंद आएगा। उसके खातिर कुकड़ू कू करो, गटर गू करो, सर के बल खड़े हो जाओ, कपड़े फाड़कर जंगल में भाग जाओ, जो चाहे झक मारो, लेकिन जहां अकल की बात की वहीं मारे गए। सच कहते थे वो। समझ में नहीं आता कि आदमी जिए तो आखिर क्यों कर जिए। अच्छा खाना नहीं मिलता, आदतें बिगड़ी हुई है। डैडी कहते हैं कि जब तक कोई प्यार से ना पकाए, प्यार से ना खिलाए, कभी खाना ना खाना। दादा मरहू वो कहते थे, डैडी ये कहते हैं, आपको इसके अलावा और कुछ भी आता है? बड़े नाजों का पाला हुआ हूँ, पर दादा मरहू कहते थे कि अच्छा खाना सिर्फ औरतें पका सकती है। और आप मरहू क्या कहना चाहते हैं? यही ना कि आज का खाना मैं बनाऊं? यही जमाना है, दुआएं ले लो, जिंदगी भर काम आएंगे। आज का खाना मैं ही बनाऊंगी महाराज। मम्मी की कसम, खाना तो क्या मैं प्लेट तक खा जाऊंगा। ये मम्मी की याद कैसे आ गई? इसलिए कि जो जुमला तुम्हारी जबान से मेरे लिए निकला है बिल्कुल यही जुमला मम्मी डैडी से कहती है। गुड मॉर्निंग देव। माफ करना देव, एज यूजुअल मेरी आंख नहीं खुली और तुम्हें सैर के लिए अकेले जाना पड़ा। कोई बात नहीं, और मैं अकेला कब था? तो फिर किसके साथ गए थे? वो तुम्हारी याद को सीने से लगाए पूरा शिमला छान पाला। जल्दी से तैयार हो जाओ, मिस शिमला कॉन्टेस्ट के सिलसिले में मैंने लंच दिया है, सवेरे से चलना है। लेकिन मेरे लिए यहाँ खास तौर पर खाना पकाया जा रहा है। कौन पका रहा है? सुबह कितने प्यार से पूछ रहा था, मैंने कहा जरूर मिस्टर, कहने लगा खाइएगा क्या, मैंने कहा जो कुछ भी प्यार से खिलाओगे। अब तुम ही बताओ इस गरीब का दिल तोड़कर किस तरह बाहर लंच खाने जाओ? और तुम्हें मेरे दिल का कोई ख्याल नहीं? तुम्हारा दिल प्यार के रहने की जगह है, तोड़कर फिर जोड़ा जा सकता है, मगर गरीबों का दिल भगवान के रहने की जगह है। अब तुम ही बताओ भगवान का घर कैसे बर्बाद करो? बहादुर, मैं भी बहादुर को घर से बाहर निकाल दूंगी। क्या समझ कर इसने तुमको बाहर जाने? अरे अरे नहीं शीला, तुम बीच में मत बोलो, नौकरों का डिसिप्लिन खराब होता है। अच्छा बाबा मेरी तौबा हुई, मैं चलता हूँ, तुम उससे कुछ ना कहना, जाओ भाई जाओ। अरे ये तुमने अपनी शक्ल क्या बना रखी है, जरा आईने में तो देखो। मिस्टर देव, अगर शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? देखो आज किसी चीज को हाथ ना लगाना, खाना मैं पकाऊंगी। जी बीबी जी। ये कबाबों का कीमा इतना मोटा क्यों है? इसे महीन कर दो। ये रोटी किसने बनाने को कही थी? आज पूरियां बनेगी। और ये क्या, बस इतनी सब्जी लाए हो? भाग के दो तीन सब्जियां और ले आओ। और मीठे में क्या है? जी सेवैया। खाली सेवैया? जी। क्रीम लेते आना। और कुछ चाहिए बीबी जी? आउट आउट। हाँ अब तुम गरम गरम पूरी बनाओ और मैं मेज लगाती हूँ। हाँ बहादुर, तुम ये सब लोग तो बाहर खाना खाने जा रहे हैं। कौन सब? अंकल और आंटी जा रहे हैं। फिर भी खाने पे नहीं रहेंगे क्या? मैंने कहा ना आपसे। तुम्हें कैसे मालूम? शीला बीवी ने कहा था। शीला ने कहा था? जी हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम यहाँ मिस शिमला की ब्यूटी कॉम्पिटिशन की सिल्वर जुबली मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। भगवान की कृपा और अल्लाह की मेहरबानी से
25 बरस से जब से मैं इस कमेटी का प्रेसिडेंट बना हूं कोई साल भी ये कंपटीशन नहीं रुका। दुनिया भर में लड़ाइयां होती रहीं, लेकिन हमारा ये ब्यूटी कंपटीशन वही आला ग्रांड स्टाइल में हर बरस पेश किया गया। इस साल एक रेडियो हिंदुस्तान रेडियो की तरफ से, एक टेप रिकॉर्डर कपिल भाईज की तरफ से और 3 बरस का फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट फिल्मालय बॉम्बे की तरफ से ऑफर हुआ है। अब मैं आपके सामने रूल्स एंड रेगुलेशंस पेश करता हूं। रूल नंबर 1, कोई भी कॉम्पिटिटर की उम्र 17 साल यानी स्वीट 17 से कम और 25 बरस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हेलो, मिस्टर देव कुमार मेहरा, आपका टेलीफोन। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी सर। नॉट एट ऑल। हेलो, देव स्पीकिंग। शर्म नहीं आती? यू शेमलेस मैन, मुझे खाना पकवाया और खुद वहां मरने चले गए। जी हाँ, बड़ी जल्दी में शिमला आना हुआ, सोचा तार दे दूंगा मगर भूल गया। मेजर जनरल राजपाल सिंह के यहाँ ठहरा हुआ हूँ, जब जी चाहे आ जाइए, आप ही का मकान है। यही मेरी बात का जवाब है? कुछ घास खा गए हो? जी नहीं, अभी किसी ने खाना नहीं खाया। मैं तुमको शरीफ आदमी समझती थी। आप सच समझते थे, फिर मिलूंगा। मैं रूल नंबर 1 फिर से दोहराता हूं, किसी भी कैंडिडेट की उम्र 17 साल यानी स्वीट 17 से कम और 25 बरस से ज्यादा नहीं हो सकती है। मिस्टर देव कुमार मेहरा, अनदर कॉल फॉर यू। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, आई एम ऑफली सॉरी सर। यस सर। हेलो, देव स्पीकिंग। मालूम हो गया तुम थर्ड रेट आदमी हो। यू आर राइट। तुम इडियट हो, बेकार आदमी हो। हम लोग आपकी तरह बेकार नहीं है, यहाँ बहुत काम हो रहा है। आई एम सॉरी सर। मैं रूल नंबर 1 थर्ड टाइम दोहराता हूं, किसी भी कैंडिडेट की उम्र 17 साल से कम यानी स्वीट 17 से कम और 25 बरस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मिस्टर देवराज मेहरा, मालूम होता है ऑल शिमला ब्यूटी कंपटीशन के बजाय ऑल इंडिया टेलीफोन कंपटीशन हो रहा है। I'm terribly sorry, sir. Sorry, sir. Hello. Assalamu alaikum, ya binte Sheikhul Bukhara. बुखारे की शेख की प्रिंसेस हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शरीक होना चाहती है। Yeah. नमस्कारम, नल्ले दुंडे, आया यो तुम भी जरूर जी। अरे, मद्रास के सबसे बड़े चेटियार की लड़की हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शरीक होना चाहती है। ये हेलो, नमस्कार, क्या मुन आचेन आपनी? अच्छा, निश्चय एक खुली बोल दीची हम कि हम कलकत्ते के सबसे बड़े जागीरदार की लड़की हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शरीक होना चाहती है। ये आप टेलीफोन यहाँ रख दीजिए जी, टेलीफोन रख दीजिए, यही खड़े रहिए जी, आपका टेलीफोन फिर से आएगा। जी नहीं, जी हाँ, मैं रूल नंबर 1 फिर से दोहराता हूं, हेलो जी नहीं, जी हाँ। मैंने टमाटो सूप मंगाया था, बॉय मुझे गलती से चिकन सूप दे गया, प्लीज एक्सचेंज। श्योर, एक्सचेंज इज नो रॉबरी।
ऑफुल। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आई एम टेरिबली सॉरी। औरत को खाना पकाने में जितनी तकलीफ होती है मिस्टर देव, उससे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब कोई खुश होकर उसका खाना खाता है, उसके खाने की तारीफ करता है। और दादी तो अक्सर कहा करती है कि मर्द का दिल जीतने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाओ और अपने सामने बिठा के अपने हाथ से खिलाओ। ये कबाब हाजिर है मिस्टर देव। तू कबाब पसंद आए मिस्टर देव आपको? ऐसी शुक्रिया की क्या बात है, मैंने तो आप ही के लिए पकाए थे। ये लीजिए, गरम गरम पूरी हाजिर है। पूरी गरम थी, आपका मुंह जल गया। सुनो तो सबर से काम लीजिए ना मिस्टर देव, और भौंक कर नहीं निवाला फूंक कर खाइए। ये लीजिए दही, दही के रायते का एक चमचा, तबीयत खुश हो जाएगी। मिर्ची थी इसमें, माफ कीजिए, अभी पानी पेश करती हूँ। कहाँ लिए जा रही हो? खाऊंगी। अकेले? अकेले? बिल्कुल अकेले। और मेहमान? बड़ा बेईमान निकला, वादा किया और चला गया। वो तो शीला ने जिद की थी, तुम्हारी कसम मैंने कितना कहा लेकिन किसी तरह नहीं मानी। जैसे शीला तुम्हें गोद में उठाकर ले गई थी, बेबी हो ना। हे बेबी, ए जी, ए बेबी, ए जी, इधर आ गया, घूम जा, घूम गया, मान जा, मान गया, अब कहो क्या खाओगे? जलेबी, ए बेबी, ए जी, ए बेबी, ए जी, इधर आ गया, घूम जा, घूम गया, मान जा, मान गया, अब कहो क्या खाओगे? जलेबी, ए बेबी। मगर भूख मेरी मिटा तो न सकेंगे नजारे, मगर भूख मेरी मिटा तो न सकेंगे नजारे। इधर आ गया, बैठ जा, बैठ गया, उठ जा, उठ गया, अब कहो क्या खाओगे? कलेजी, ए बेबी। देखो तो वो पंछी मधुर सी सदा में क्या बोले, देखो तो वो पंछी मधुर सी सदा में क्या बोले। भूखा है या प्यासा तड़प के बेचारा मुँह खोले, भूखा है या प्यासा तड़प के बेचारा मुँह खोले। इधर आ गया, झुक जा, रुक गया, झुक जा, झुक गया, अब कहो क्या खाओगे? जलेबी, ए बेबी। हम तो तुम्हारे जी मेहमान बन के हाय मर गए,
हम तो तुम्हारे जी मेहमान बन के हाय मर गए। बहुत शुक्रिया जी के एहसान हम पे जो कर गए, बहुत शुक्रिया जी के एहसान हम पे जो कर गए। नहीं आऊंगा, घूम जाओ, नहीं घूमूंगा, मान जाओ, नहीं मानूंगा, भूखे ही क्या जाओगे, कुछ ले भी ए बेबी। तो हम देंगे इधर जरा लाओ ये भैया, सजा तो हम देंगे इधर जरा लाओ ये भैया। हाँ इधर आओ, आ गई जी, बैठ जाओ, बैठ गई जी, मान जाओ, मान गई जी, आप कहो क्या खाओगे, जो देगी ए बेबी ए जी। वाह जी वाह, इसी मुंह से आशिकी का दावा करते थे, अजनबी तो तड़प तड़प के मुबारकबाद दे और जो अपने हैं उनको नजरें ढूंढे। देखो भाई ये दिल दुखाने वाली अदा अच्छी नहीं होती, एक तो प्रोग्राम बोरिंग, दूसरा सूख गिरा, यहाँ आया तो किसी ने खाने तक को नहीं पूछा। जिया सोनिया तो थी घर में। सोनिया उसका होना ना होना सब बराबर है, कुत्ते से खेल रही है, बिल्ली को प्यार कर रही है, इतने बड़े घोड़े को बेबी कहती है, अभी अभी ये खरगोश के साथ गाते गाते न जाने कहाँ चली गई। मैड गर्ल। आई एम सॉरी माय डियर, कैच मी। गुस्से में आकर पूल में फान पड़ा, दो घंटे से नहा रहा हूँ, तुम्हारी अगर यही हालत रही तो किसी दिन जानवान दे दूंगा। तो जबरदस्ती गुस्सा करती, वहाँ होते तो तबीयत खुश हो जाती, सब लोग मुझे देखकर दंग रह गए, कहने लगे ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। जाहिर है ब्यूटी मींस जॉय। ये मेज क्यों नहीं छोड़ते? क्या करूं, ये मेज मुझे नहीं छोड़ रही है। आ बैठो। ऐसा मालूम होता है कि 100% चांसेस मेरे मिस शिमला चुने जाने के हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 0% चांसेस अपने रह गए। जब तुम फिल्म स्टार बन जाओगी तो मेरा क्या काम होगा? तुम्हें काम की जरूरत ही क्या होगी, ऐश करोगे और मैं तुम्हारा शौहरे नामदार कहलाऊंगा, अच्छी से अच्छी मोटरों में घूमूंगा, देश के मैदान में भारी भारी बाजियां लगाऊंगा, बड़े से बड़े क्लबों में जाकर बिलियर्ड और ताशों का कमाल दिखाऊंगा, जिधर से गुजर जाऊंगा लोग चीख उठेंगे कि शराफत का नमूना जा रहा है। और जब लोगों की तरफ मेरी पीठ हो जाएगी तो कहेंगे कि शराफत का जनाजा जा रहा है। यू आर जेलस माय डियर। यस आई एम जेलस। I'll kill you. I'm jealous. देख, तुम सोचते होगे कि शीला अजीब किस्म की लड़की है, मुझे शिमले बुलाया और खुद इधर उधर भागती फिरती है, लेकिन जरा सोचो तो डाली मैं कितनी बिजी रहती हूँ, कितने लोग मुझे घेरे रहते हैं। कितने बेकार लोग। बेकार नहीं, सबके सब ग्रेट आर्टिस्ट हैं और इनको इंस्पायर करना मेरा सोशल फर्ज है। अच्छा, आगे के यही लोग जीनियस होंगे और मेरा ख्याल है कि देश के हर घर से शीला शीला की आवाज आएगी। मेरे ख्याल में आगे बढ़कर यही लोग पागल हो जाएंगे और देश के हर पागल खाने से चिल्लाएंगे शीला शीला। कल सुबह मैं तुम्हारे साथ सुनने की सैर को जरूर चलूंगी। आज की तरह आज तुम्हारी कसम सोऊंगी नहीं, तारे गिन गिन के रात काटती हूँ। हाय। अरे तुम क्या नहीं सोओगी, तुम्हारी किस्मत सोएगी बहन, मैं तुम्हें सुलाऊंगी, ढोल भी बजेगा तो अपनी कसम आंख नहीं खुलेगी। रात को न जाने मुझे नींद क्यों नहीं आई,
गोलियां कहीं ठंडक की वजह से सिल तो नहीं गई दादी? ये कैसे हो सकता है, कल ही तो मंगवाई थी। तो फिर नकली होंगे, आजकल दवाओं में बड़ी चोरी होने लगी है। हाँ। कोई किसी को क्या कहे, सभी चोर हो गए हैं। जीती रहो। चोर कहीं की? ये कमबख्त बावर्ची आधा दूध खुद पी जाता है और आधे में पानी मिला देता है। आज मैंने चोर को पकड़ा। सच सुनिया, तुम्हारी कसम, इंसान को जिंदा रखने के लिए खालिस दूध नहायत जरूरी है। अच्छा खाना भी जरूरी है सुनिया। गलत, अच्छा खाना मिले या ना मिले मगर देश में खालिस दूध की नहरें अवश्य बहती रहे। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। हल्की हल्की सिटियों से अब काम नहीं चलेगा, मोहब्बत बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। ढोल बजाइए, जब शीला देवी की शायद आंख खुल जाए। भगवान ना करे उनकी आंख खुले। जिस दिन खुल जाएगी मेरी खैरियत नहीं। और दरअसल मैं तो चाहती भी यही कि किसी दिन आप पीटे और मैं तमाशा देखूं, तालियां बजा बजा कर कहूं सिमले में मजनू की एक औलाद पिट गई। शायद आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये मजाक है। नहीं साहब, ये तो नफेडर मेंबर है। जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर ये तो कह देना कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरी कसम बिल्कुल नहीं 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 नहीं। अरे दुश्मन ने तमन्ना, इसका जवाब दे दे। आएगा ये? हाँ बने तो क्या हो, मरता हूँ जिस नहीं पर। क्या हुआ? मुझे आ गए। आओ उठा के ले चलो। मोहब्बत के जख्मी को उठा के नहीं बिठा के ले जाते हैं। कहाँ? दिल में? रिक्शा में, और रिक्शा खुद खींचना पड़ता है। मैं आशिक हूँ, रिक्शा वाला नहीं। बस अभी से ये हाल है। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बात है तो खींचूंगा रिक्शा, लेकिन मजदूरी क्या मिलेगी? वही जो मजनू को मिला करती थी, खूने दिल पीने को और लख्त जगर खाने को। ये गिजा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। दिख 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 दिख। हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी। बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी है, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी। ओए दिख 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 दिख।
हस्तियाँ तो है ही, अदा भी प्यारी प्यारी है, अदा भी प्यारी प्यारी, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी है, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, ओए दिग 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 बैठी रे तू बैठी रे, ओए बैठी रे, ओए बैठी रे ना हिल जुल लैला, के तुझसे कमाना है किराया पहला पहला, ओए बैठी रे, ओए बैठी रे ना हिल जुल लैला, के तुझसे कमाना है किराया पहला पहला, किराया पहला पहला, ओ जाने माने सुन ले, ये रिक्शा कुमारी है, ये रिक्शा कुमारी, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी है, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, जान दे ओ हीर जी, ये जान भी तुम्हारी है, ये जान भी तुम्हारी, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी है, हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, ओ दिग 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 लेकिन फादर यहाँ इतनी सवेरे कोई नहीं आता। देव दया ये भी होश नहीं कि कोई आ रहा है। गुड मॉर्निंग देव। गुड मॉर्निंग फादर। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। ओ मिस्टर देव कुमार मेहरा एट योर टेलीफोन कॉल। देव तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी नहीं। क्या होने वाली है? जी हाँ। Oh, no. देव तुमको ख्याल होगा कि कॉलेज के स्टेज पर यू वर वंडरफुल। जी हाँ गुड ओल्ड डेज। मैं आज शाम को एक चैरिटी शो कर रहा हूँ, व्हाई डोंट यू एंड यू अपीयर ऑन द स्टेज? ऑन द स्टेज गुड कॉज। ऑल राइट फादर। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। ऑल राइट दिस इज द प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू फादर। मैं कहती हूँ अगर उसको पलटा ही खाना था तो क्या मैं मर गई थी? ऑफ यकीन नहीं आता कि ये सच है। शीला क्या ऐसा हो सकता है कि चलते फिरते सड़क पर कोई खा दे? ये तो तुम जानती होगी कि जाग रही थी या सो रही थी। तुम्हारी कसम शीला मैं जाग उठी लेकिन तुम अब तक सो रही हो। ये सब क्या हो रहा है? कसम से अभी अभी सड़क पर तमाशा देखकर आ रही हूँ। देव एंथनी बने रिक्शा खींच रहे थे और सोनिया क्लियोपेट्रा बने रिक्शा में बैठी थी। ग
गाने गाए जा रहे थे। अभी नहीं चौंकोगी तो जिंदगी भर पछताओगी, सर पर हाथ रखकर रोओगी, फिर मुझसे मत कुछ कहना। देव तो शरीफ आदमी है, ये सब उसी बेशर्म लड़की के करतूत है। मैं कहती हूँ उसके छप्पर पर 24 घंटे माचिस चलाए तो कब तक आग नहीं लगेगी। या तो तुम इस आग को बुझा दो या मुझे घर जाने की इजाजत दो। मैं तुम्हारा तो चलता हुआ नहीं देख सकती। दे मुझे, तुम बाहर जाओ। अच्छा गुड मॉर्निंग शीला। कहाँ से आ रहे हो? जरा सैर करने गया था। अकेले? बिल्कुल अकेला। झूठ बोलना भी सीख लिया? वो हुआ ये कि मैं जा रहा था, रास्ते में सोनिया मिल गई थी। बेचारी बहुत उदास थी, सोचा वॉक भी हो जाएगी और उसकी तबीयत भी बहल जाएगी। तुम उसकी तबीयत बहलाने वाले कौन होते हो जी? भाई मैं तो खाली तुम्हारी बहन समझ कर ही उसको अपनी समझता हूँ। और उस अपनी के लिए रिक्शा की क्या जरूरत थी? रिक्शा? कितना समझाया कि इतनी तेज मत चलो, भाग रही है भाग रही है। बड़ी जिद्दन है, थक गई, मजबूर होकर रिक्शा लेनी पड़ी। कौन खींच रहा था रिक्शा? रिक्शा वाला। फिर झूठ बोले तुम? भाई साफ बात यह है कि जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ एक दिन का खाना हजम नहीं हुआ। सोचा इस बहाने से थोड़ी सी वर्जिश कर ली जाए। शर्म नहीं आती? लोगों ने देखा होगा तो क्या कहते होंगे? कहते होंगे कि होने वाली बीवी का दिल खुश करने के लिए छोटी बहन की खुशामद कर रहा है। बेशरम। गाने क्यों गाए जा रहे थे? जब रिक्शा खींचते खींचते थक जाता था तो घबरा के गाने लगता था। डैडी देख लेते तो गोली से उड़ा देते। बाप रे, बाल बाल बच गया। कई दिन से देख रही हूँ तुम्हारे प्यार में भी बहुत कमी हो रही है। देखो शीला, सब कुछ कह लो मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने अल्फाज वापस ले लो शीला। शीला डियर, आखिर जाना कहाँ है? जहन्नम, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन शीला, मेरे कॉलेज का फादर यहाँ बीमार होकर आया है, वो मर रहा है। मरे? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुमसे? तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम मेरे साथ। लेकिन लेकिन सुनो तो शीला, बेचारे फादर ने आखिरी वक्त मुझको बुलाया था। ये कौन सी शराफत है मैं वहां ना जाऊं और तुम्हारे साथ आऊं? बके जाओ, चलो मैं अभी आता हूं। क्या? तुमसे कह रहा था तुम चलो मैं अभी आता हूं। नहीं नहीं नहीं, बड़ी बेरहम हो शीला, मरते हुए आदमी के लिए भी तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं। इसलिए कि तुम झूठ बोलते हो। हर मामले में झूठ बोला जाता है लेकिन किसी के मरने और जीने में झूठ हरगिज नहीं बोला जाता। अभी कहता हूं। किससे? तुम्हारे डैडी से। जनरल साहब, आपसे एक फैसला चाहता हूँ। यस? आपसे ज्यादा सख्त दिल का आदमी और कौन हो सकता है? हैं? मेरा मतलब है हजारों बहादुर आपने लड़ाई में मार डाले हैं। यस, मच्छर की तरह। फर्ज कीजिए कि आपका कोई बुजुर्ग मर रहा हो। मर जाए? आप समझे नहीं, मेरा मतलब है आपका कोई बुजुर्ग मर रहा हो और आखिरी वक्त आपको बुलाया हो, आप वहां जाएंगे या शहर को जाएंगे? ओह ऐसे, मैं तो सब काम छोड़कर उस मरते हुए आदमी को देखने जाऊंगा। लेकिन डैडी। तुम खामोश हो, पूरी उसकी बात तो सुन लीजिए। आप भी खामोश रहिए हुजूर। जनरल साहब, मेरे कॉलेज का फादर मर रहा है, शीला मुझे वहाँ जाने नहीं देती, बताइए कोई जुल्म है? यू मस्ट गो। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। 200 रुपए के शो के टिकट खरीदे थे, उसमें से 50 रुपए वेस्ट। बट फॉर ए गुड कॉज, अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए, चलिए अभी चलिए। फादर विलियम्स के सडनली बीमार पड़ जाने से ऑन हिज बिहाफ मुझे ये शो कंडक्ट कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये चैरिटी शो उन मासूम बच्चों की एड में है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। आई थैंक यू। We'll be right back.
रहा है दिलरुबा प्यार भी कभी हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी किया है दिलरुबा प्यार भी कभी हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी ये हल्की हल्की बूंदियाँ ये भीगी भीगी मस्तियाँ अब दिल रहा कि लुट गया किसी को होश है कहाँ जब किसी पे आ गया तो दिल को कौन रोकता किया है दिलरुबा प्यार भी कभी हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी किया है दिलरुबा प्यार भी कभी हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी ये बादलों के काफिले शरीर और मन चले है किसकी इनको जुस्तजू इधर उधर कहां चले हमारे साथ साथ है ये प्यार की तलाश में प्यार की तलाश में किया है दिलरुबा प्यार भी कभी हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी किया है दिलरुबा प्यार भी कभी हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी हवा भी शोक हो गई तुम्हारी जुल्फ चूम के भटक रहे हैं दिल कई नगाओ झूम झूम के अगर न हो ये धड़कने तो जिंदगी का क्या मजा किया है दिलरुबा प्यार भी कभी हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी किया है दिलरुबा प्यार भी कभी हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी किया है दिलरुबा प्यार भी कभी हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी किया है दिलरुबा प्यार भी कभी हाँ तुमसे हो गया जी अभी अभी अब मैं आपके सामने यंग स्टेज लवर्स को प्रेजेंट करता हूँ मिस्टर देव कुमार मेहरा एंड हिज गर्लफ्रेंड My girlfriend sister. Oh, his girlfriend sister, if you can believe it. मम्मी जो कुछ हो रहा है सिर्फ डैडी की कमजोरी से हो रहा है अगर ये जरा सख्ती से देव और सोनिया को डांट दे तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती मैं इनकी जगह होती तो गोली मार देती और आपका ख्याल है मैं छोड़ दूंगा मगर सोचता हूं सोनिया को गोली मारूं तो फिर स्वर्गीय बड़े भाई की आखिरी निशानी मिट जाएगी और देव देव मारा गया तो शीला की शादी किसके साथ होगी मगर आज कुछ होगा जरूर
ओ साहबजादे, इधर आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। देखो मिस्टर, मैं आजकल की दुनिया से 100 साल आगे हूं, और जो बात पुरानी तहजीब में बुरी थी वो नई तहजीब में भी बुरी है। तुम मुझसे झूठ बोलकर क्यों गए? इसका मुझे भी अफसोस है, मैं आपसे माफी चाहता हूं। देखा आपने, ये है लड़का, अगर गलती की तो माफी भी मांग ली। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। थैंक यू जनरल साहब। बस इतना ही पूछता था। अगर ज्यादा सख्ती की गई तो देव बागी हो जाएगा बागी। मुझे लड़ाई का तजुर्बा है, और दरअसल ये लड़ाई देव और शीला के बीच में नहीं, शीला और सोनिया के बीच में है। फैसला इन दोनों को करना चाहिए। आज मैं फैसला किए देती हूँ। आप भी अजीब आदमी हैं। सो तो हूँ। One and two and I love you, I love you, I love you। सोनिया, अब ये मजाक काफी बोरिंग हो गया। तुम मेरी बहन होकर अपने आप को बहुत गिरा रही हो। उस वक्त भी मैं तुम्हारी बहन ही थी जब मैंने कह दिया था कि अब जरा संभलना। मैं अपने आप को बहुत गिराने वाली हूँ जब देव को ये मालूम कि कोई शर्त के लिए उसे पागल बना रहे, फिर क्या होगा? और जब देव को ये मालूम होगा कि कोई पैसे के लिए उसे शादी कर रहा है, फिर क्या होगा? शीला, परसों से तुम मुझे यकीन दिलाती रही कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। फिर भी अगर मुझे जरा सा यकीन आ जाता कि तुम देव से सचमुच प्यार करती हो, तो शर्त के बाद भी उसकी तरफ आंख उठाकर न देखती। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? तुमको यह पूछने का कोई हक नहीं। अगर तुम देव को वापस लेना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पांव पकड़कर मुझसे माफी मांगनी होगी। ये कभी नहीं हो सकता। जहन्नम में जाओ तुम, और जहन्नम में जाए दे। आज बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो। सच? और क्या साड़ी पहनी है, नजर नहीं टिकती। दादी ने दी है। इस साड़ी पर जरा सी कमी रह गई है, वो मैं पूरी किए देती हूँ। ये लो अंगूठी, लाओ मैं पहना दूँ। मेरी तरफ से दिवाली का तोहफा। थैंक यू आंटी। शीला कहाँ है? कितना समझाया, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। न कपड़े बदले हैं, न जेवर पहना है, ये कोई तरीका है? आखिर बात क्या है? तुम बहनों पूछो ना जाके। और देखो भाई, ये बड़ी बदनामी की बात है। अभी तो मामला घर का है, कल कोई बात बाहर निकल गई तो खानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। आंटी, उस दिन जबरदस्ती बात बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई। आंटी मगर मैं जानती हूँ उसमें शीला की जबरदस्ती थी, लेकिन मेरी जान तुम उसकी बहन हो, जाओ जाकर उसे मना ला। लेकिन आंटी वो मेरी बात नहीं मानेगी। उसे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी, बल्कि तुम न मानना जब तक कि वो तुम्हारे पैर पकड़ कर तुमसे माफी न मांगे। पूजा की देर हो रही है, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। उठो ना, तुमने तो बेकार बेकार सारे घर को परेशान कर दिया है। तुम तो खुश हो ना? चलो कपड़े बदल लो, मैं ले आती हूँ। शीला, आज दिवाली की रात है, आज तो इस झगड़े को भूल जाओ। कैसे भूल सकती हूँ जबकि मेरा दिल रो रहा हो? तुमको अगर मेरे आंसू ही देख तो 1000 बहाने रुला सकती थी। मेरा दुश्मन भी मुझसे सलूक न करता जो तुमने बहन होकर किया है। और तुम जो बहन होकर सारी जिंदगी मुझे रुलाती रही,
उसको क्यों नहीं याद करती? वो क्यों भूली जा रही हो? मैं अपनी भूल मानने को तैयार हूँ सोनिया, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारे पैर पकड़कर अपनी हार मानने को तैयार हूँ। शीला, मैं देव के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे देव से मोहब्बत है, मुझे देव से मोहब्बत है। अब तो तुम्हारी खुशी पूरी हो गई है, अब तो खुश हो जाओ। क्या तुम खुश हुए? बहुत बहुत खुश हुई। अब मेरी खातिर तुमको एक वादा करना पड़ेगा। जल्दी कहो, वादा करो कि देव से अब इस तरह नहीं मिलोगे। करती हो वादा? मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। गुड इवनिंग देव, हैप्पी दिवाली। हेलो शीला, हैप्पी दिवाली। देव, आज मिस शिमला डांस रिहर्सल में मेरे से चल रहे हो ना? क्यों ना शीला, जरूर चलूंगा। अरे तुम लोग यहाँ खड़े बातें कर रहे हो और तुम्हारी मम्मी न जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही है। चलो। सोनिया क्या अकेली चली गई? वो नहीं जा रही है। क्यों? आज तो दिवाली की रात है, लोग खुशियां मना रहे हैं, वो घर में बैठ के क्या करेगी? जबरदस्ती ले चलो। मैंने कहा ना वो नहीं जा रही है। क्या तुम भी घर में रहना चाहते हो? नहीं भाई, मैं तो चल रहा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेहरबानी करके आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब हमारा फाइनल रिहर्सल्स का प्रोग्राम शुरू होता है। हेलो रवि, क्या हुआ? सॉरी बस, सोनिया तो नहीं आई। क्यों, क्या बात? यूं कुछ नाराज सी थी। ये रहे तुम्हारे क्रैकर्स, थैंक यू, ये मैच बॉक्स और ये 2 रुपए बचे, ये रख लो, मिठाई खा लेना। थैंक यू। बुड्ढे की स्पीच सुनोगे? बुड्ढा? ओह नो, ही इज बोरिंग। I'll make him bright. मुझे खुशी है कि कॉम्पिटिटर लड़कियां नाच और गाने के रिहर्सल्स में एकदम आला ग्रांड हो चुकी हैं, और हमारे शिमले के नौजवानों ने पार्टनर्स की हैसियत से काफी स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाई है। कल न जाने कौन खुशनसीब लड़की मिस शिमला चुनी जाएगी। एक रेडियो टेप रिकॉर्डर इनाम दिया जाएगा और फिल्म आलिया कंपनी बॉम्बे की तरफ से 3 बरस का कॉन्ट्रैक्ट। पच्चीस साल से मैं इस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, इस साल ये मालूम होता है कोई बदमजाक रेवोल्यूशनरी एलिमेंट घुस आया है जो हिंदुस्तानी हुस्न को बर्बाद करने के फिक्रों में लगा हुआ है। अब की ये हरकत हुई तो मैं उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तलाशी लूंगा आपकी, आपकी और मिस्टर देव कुमार मेहरा आपकी भी तलाशी लूंगा। दिस इज मोस्ट डिस्गस्टिंग बिहेवियर, दिस इज मोस्ट इंसल्टिंग सर। आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई रेवोल्यूशनिस्ट हूं? मैं कोई एनार्किस्ट हूं? ये दूर से बातचीत कीजिएगा, मुझे हाथ न लगाइएगा। शरीफ हूं मैं, ये नहीं हुआ करता। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए ये क्रैकर्स, देखिए। देव तुम अवफुल, आज दिवाली की रात है ना, मैं कुछ शगुन करना चाहता था और मैं ये लो अपने क्रैकर्स, निकल जाओ यहाँ से, जब तक खत्म न हो तो वापस जाना। I'm awfully sorry, sir. Get out!
मैं जिसे तुम्हारे बगैर दिवाली के ये दिए मुझे मुझे से लग रहे हैं। क्यों आए हो यहाँ? जानते नहीं मेरा बेडरूम है और मैं घर में अकेली हूँ। मैं भी तो अकेला हूँ। मैं नहीं चाहता सोनिया हम दोनों अकेले रहे। लेकिन मैं तो चाहती हूँ तुम जाओ यहाँ से। तुमसे बगैर मिले नहीं जाऊंगा। मैं नहीं मिलना चाहती तुमसे। लेकिन मैं तो मिलना चाहता हूँ। तुम हद से बढ़ रहे हो देव। हद से ज्यादा प्यार भी तो करता हूँ तुम्हें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम भूल रहे हो कि तुम शीला के लिए आए हो यहाँ। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। जाओ, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। दर पे आए हैं असम ले दिल हथेली पर है सुन ले हम न जाएंगे। दर पे आए हैं असम ले दिल हथेली पर है सुन ले हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर वैसे भी मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तू सुन ले हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले दिल हथेली पर है सुन ले हम न जाएंगे। यूं न ठोकर मारिए के टूट जाएगा ये दिल, टूट जाएगा ये दिल। आप पछताएंगे फिर ना, हाथ आएगा ये दिल, हाथ आएगा ये दिल। ले इसी दिल की कसम ले, खाक होकर भी तू सुन ले हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले दिल हथेली पर है सुन ले हम न जाएंगे। मैं कदा भी राह में था छोड़ आए हैं उसे, छोड़ आए हैं उसे। जाम अपने हाथ में था तोड़ आए हैं उसे, तोड़ आए हैं उसे। तेरे प्यासे हैं कसम ले दूर से आए हैं सुन ले हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले दिल हथेली पर है सुन ले हम न जाएंगे। मैं समझती थी तुम कैरेक्टर की लड़की हो, वादा करती हो तो दुनिया इधर की उधर हो जाए निभा के रहती हो। लेकिन मुझे मालूम हो गया सुनिया कि तुम झूठ भी बोल सकती हो।
वादा करके तोड़ भी सकती हो। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं कि मेरा कसूर नहीं? वो जबरदस्ती आ गया, भगवान की सौगंध मैंने उसे नहीं बुलाया। मैंने टालना चाहा मगर वो किसी तरह नहीं माना। तुमने कभी ये भी सोचा कि देव मुझसे शादी करने आया था? आज जिधर निकल जाती हूँ लोग हंसते हैं, आवाजें कसते हैं, कहते हैं ये घराना भी खूब है, बड़ी उससे शादी कर रही है, छोटी उससे इश्क कर रही है। इन लोगों में शर्म नाम को नहीं। जिसकी शरीफ माँ घुट घुट कर मर गई, उसकी शरीफ बेटी अपनी बहन के होने वाले शौहर से ये गुल खिला रही है। खामोश हो जाओ शीला। मुझे खामोश कर सकती हो लेकिन लोगों की जबान पर ताले नहीं लगा सकती। मैं पूछती हूँ तुम अपनी माँ का बदला मुझसे तो नहीं ले रही हो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि उलझे हुए दामन को झटका देकर नहीं छुड़ाया जाता? देव इतना करीब आ चुका है कि उसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन देव मुझसे मोहब्बत करने लगा है, वो सचमुच मुझसे प्यार करता है। यही तो तू चाहती थी मेरी जान। मैं हरगिज नहीं चाहती थी। आज अपनी लगाई हुई आग में मुझे कुचलना पड़ रहा है। शीला ने मेरे पाप पकड़कर मुझसे माफी मांगी, अब मैं क्या करूं? भगवान के लिए बताओ मैं क्या करूं दादी? साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दुनिया छूट सकती है लेकिन दो प्यार करने वाले दिल एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये तो मेरे मुंह से कभी नहीं निकल सकता। तू पागल तो नहीं हो गई? हाँ मैं पागल हो गई दादी। मुझे ऐसा रास्ता बताइए कि वो मुझसे नफरत करने लगे। मोहब्बत की मंजिल की तरफ चलते चलते एक मोड़ ऐसा आ जाता है जहाँ प्यार अमर बन जाता है और नफरत के रास्ते कोसों दूर हो जाते हैं। मैं उन रास्तों को ढूंढ निकालूंगी। मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं अच्छी नहीं बुरी हूँ, बहुत बुरी लड़की हूँ। किस तरह? दूसरों से मिलजुल कर उनके साथ झूठा प्यार जताकर। इससे मोहब्बत और बढ़ जाएगी। मैं दूसरों के साथ डांस करूंगी, उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। वो इसको भी एक अदा समझेगा, बर्दाश्त कर लेगा। बेटी उसने शीला को क्यों नहीं बर्दाश्त किया? इसलिए कि शीला ने दिल से दिल मिलाकर खरीदार नहीं ढूंढा था, उसने से खरीदार ढूंढने निकली थी। Ladies and gentlemen, film producers and honorable judges of our beauty contest, अब हमारा 25th beauty contest शुरू होता है। आपको मालूम होगा कि इस साल मिस शिमला को फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, इसलिए ब्यूटी के साथ साथ एक्टिंग टैलेंट्स देखने के लिए हर कैंडिडेट को डिफरेंट कॉस्ट्यूम में डांस एंड सॉन्ग नंबर्स के थ्रू देखा जाएगा। गुड लक एवरीबॉडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव ग्रेट प्लेयर इन इंट्रोड्यूसिंग यू टू दीज यंग लेडीज जो मिस शिमला कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली हैं। कम ऑन बॉयज। और ये शिमले के नौजवान हैं जो हेल्पिंग पार्टनर्स की हैसियत से सॉन्ग एंड डांस में इनकी मदद करेंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे अफसोस है कि कॉन्टेस्ट में शरीक होने के लिए मुझे बहुत देर हो गई। आपकी इजाजत है क्या मैं भी शरीक हो सकती हूँ? पिस्तौल देख रही हूँ, एक गोली काफी होगी, मार दो इसे। आंटी आप क्या कह रही हैं? घबराओ नहीं, चला दो गोली। मैं कह दूंगी कि खून मैंने किया है। मैं समझी नहीं। तुम यहाँ बंठन के क्या कर रही हो? जिंदगी के चौसर का आखिरी पासा फेंक रही हूँ आंटी। तुमने शीला से वादा किया था कि उसके रास्ते से हट जाओगी, देव को लौटा दोगी। मुझे अपना वादा याद है आंटी। फिर भी यहाँ बैठ कर बंसीगार कर रही हो? आप मुझ पर भरोसा रखिए आंटी, ये बनाव सिंगार मैंने देव को रिझाने के लिए नहीं बल्कि उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा करने के लिए किया है मैंने।
चंद मिनटों की बात है आंटी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। चाहिए आप जाकर तमाशा देखिए और मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि पांसा फेंकते वक्त मेरे हाथ कहीं कांप न उठे। रात भी है धुआं धुआं, हुस्न भी है उदास उदास, दिल में कई कहानियां याद सी आके रह गई। अभी खुशी खुशी कॉन्टेस्ट में शरीक होना चाहती थी, अभी उदास हो गई। क्या फिल्म स्टार बनने का इरादा है? मैं तो सच में शीला की मदद करने आई थी, उसे बाजी हारने आई थी और वो सोचती है बाजी जीतने आई हूँ। शीला को मदद करने आई थी, इस लिबास में कितनी खूबसूरत मालूम होती हो। जी चाहता है देखता ही रहूं, मेरा भी तुम्हारे साथ कॉन्टेस्ट में शरीक होने को दिल चाह रहा है, कुछ हसरत रह क्यों जाए। मुस्कुराए के तो प्यासे तरसे तरसे, मुस्कुराए के तो प्यासे तरसे तरसे। मुस्कुराए के तो प्यासे तरसे तरसे, मुस्कुराए के तो प्यासे तरसे तरसे। बूंद बूंद जिंदगी का गीत है हो भैया। मुस्कुराए के तो प्यासे तरसे तरसे, मुस्कुराए के तो प्यासे तरसे तरसे। मुस्कुराए के तो प्यासे तरसे तरसे, मुस्कुराया फिर तो प्यासे तरसे तरसे। पास तेरा मीत है हो भैया, देख तेरे पास तेरा मीत है हो भैया। मुस्कुराया फिर तो प्यासे तरसे तरसे, मुस्कुराया फिर तो प्यासे तरसे तरसे। मुस्कुराया फिर तो प्यासे तरसे तरसे, मिट गए और हम मिट गए, बादलों से हुआ प्यार बरसे।
अभी से कह रहे हैं कि तुम मिस शिमला चुन जाने वाली हो। मेरा भी यही ख्याल है, 100% चांसेस मेरे मिस शिमला चुन जाने के होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में तुम तो शीला को मदद करने आई थी। मगर इस कमबख्त स्पोर्टिंग स्पिरिट का क्या करूं? इधर कंपटीशन में घुसी, उधर खून गरमाया। लेकिन हमारी शादी होने वाली है सोनिया। अरे शादी तो फिर कभी भी हो सकती है, मगर फिल्म स्टार बनने का मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिला करता। मैं तुमको कॉन्टेस्ट में नहीं शरीक होने दूंगा। मेरा हाथ छोड़ दो, तुम्हें बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है। अभी से लोग कह रहे कि मेरी ऐसी खूबसूरत लड़की आज तक स्क्रीन पर कभी नहीं देखी गई। मेरे ख्याल में तुम ऐसी गिरी हुई लड़की आज तक किसी हिंदुस्तानी घराने में कभी नहीं देखी गई। चलो चलो मिस्टर देव कुमार मेहरा, आप उनका हाथ छोड़ दीजिए। इज माई गर्लफ्रेंड। यू मीन योर गर्लफ्रेंड सिस्टर? मिस सोनिया, आप इस कॉम्पिटिशन में फर्दर पार्ट लेना चाहती हैं? ऑल राइट, वेरी गुड। हुस्न वाले वफा नहीं करते, हुस्न वाले वफा नहीं करते, ये किसी का भला नहीं करते, ये किसी का भला नहीं करते। अरे रे 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 दिल को थामना, हाँ जी जरा हो तो सामना। अरे रे 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 दिल को थामना, हाँ जी जरा हो तो सामना। हुस्न वाले वफा नहीं करते, ये किसी का भला नहीं करते। ये दर्द देते हैं लेकिन दवा नहीं देते, दवा नहीं देते, दवा नहीं देते। चुरा तो लेते हैं दिल फिर पता नहीं देते, पता नहीं देते, पता नहीं देते। तुम्हें बनाते आशिक दुआ नहीं देते। हुस्न वाले वफा नहीं करते, ये किसी का भला नहीं करते। अरे रे 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 दिल को थामना, हाँ जी जरा हो तो सामना। हुस्न वाले वफा नहीं करते। सितारों को चूमने वाले, हुस्न वाले वफा नहीं करते, ये किसी का भला नहीं करते। अरे रे 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 दिल को थामना, हाँ जी जरा हो तो सामना। हुस्न वाले वफा नहीं करते। दिल का जला दो बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है। जरा सी शाम कहो ले अभी सवेरा है, अब
लो आज हमें तीसरा ये फेरा है। हुस्न वाले वफा नहीं करते ये किसी का भला नहीं करते। अरे रे 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 दिल को थामना, हाँ जी जरा हो तो सामना। अरे रे 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 दिल को थामना, हाँ जी जरा हो तो सामना। अरे रे 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 दिल को थामना, हाँ जी जरा हो तो सामना। Ladies and gentlemen, I am very pleased to announce that this year Simle ki ek talented young girl of sweet 17 Miss Simla chuni gayi hai, Miss Sonia. Heartiest congratulations, Miss Sonia. Thank you, sir. ये रहा आपका टेप रिकॉर्डर कपिल भाई की तरफ से और ये फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट फिल्मालया कंपनी बॉम्बे की तरफ से। मुझे इस फिल्म कॉन्ट्रैक्ट मिलने की सबसे ज्यादा खुशी हुई है। Thank you, sir. Thank you. Now, ladies and gentlemen, helping partners की हैसियत से जो स्पोर्टिंग स्पिरिट देव कुमार मेहरा ने दिखाई है, ऑनरेबल जजेस के फैसले के मुताबिक ये ट्रांजिस्टर रेडियो उनको प्रेजेंट किया जाता है। मिस्टर देव कुमार मेहरा। योर रेडियो सर। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज मे आई यूज द माइक सर। ओ सर्टेनली सर्टेनली। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, सचमुच सोनिया ने स्टेज पर बेहतरीन एक्टिंग की है, लेकिन इनकी रियल लाइफ में भी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं, इसलिए मैं ये रेडियो में सोनिया को प्रेजेंट करता हूं। जहां भी जाऊंगी यह तोहफा तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। इस रेडियो को दिल से लगाकर रखूंगी। थैंक यू देव। It's all right. बड़ी बुजदिल हो, इतनी सी बात पे रो रही हो शीला। विजय, मैं प्यार की जिंदगी छोड़कर शोहरत की जिंदगी की तरफ भाग रही थी। न तो शोहरत मिली और न प्यार। तुम देर से साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हारा और सोनिया का झगड़ा हुआ था और सोनिया ने देव को अपनी मोहब्बत में चक्कर देने की शर्त लगाई थी। लेकिन वो तो सोनिया से मोहब्बत करने लगा है। लेकिन सोनिया तो सिर्फ अपनी शर्त के खातिर उसे पागल बना रही है, वो मोहब्बत वोहब्बत नहीं करती। इट्स टू लेट विजय। इट इज नेवर टू लेट। हाय बेचारा देव, मुझे तो उस पर तरस आने लगा है। अगर तुम नहीं कह सकती तो मैं जाकर उससे साफ साफ कह देती हूँ। भी कह रही थी। आइए मेरे साथ। अफसोस है ये सब बातें मुझे आपसे कहनी पड़ी। अब आप क्या करेंगे? मजाक अब रंग लाने वाला है। हेलो सोनिया। हेलो देव। ये तो बड़ी ज्यादती है, हमसे बगैर मिले चली आई। इतनी बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश करने का मौका नहीं दिया तुमने। आज की रात क्या चक्कर चलाया है तुमने? समझ में नहीं आता है ये कायापलट हुई तो कैसे। दिल में रह रहे कि ये सवाल उठता था कि अगर ये सोनिया है तो वो कौन थी।
जिससे मोहब्बत के कौलो करार हुए थे, और अगर वो सोनिया थी तो ये कौन है जिसकी हर नजर बेगाना है। वो दिन भी याद है जब तुम्हारी आंखों से मोहब्बत, तुम्हारी यादों से प्यार और तुम्हारी होठों से इतनी मासूमियत टपकती थी कि मुझ जैसा काफिर इंसान भी तुम पर ईमान ले आया। और सच पूछो तो सोनिया, अगर आदमी हर लड़की पर अपना दिल निछावर करता रहे तो आखिर जिए क्यों कर? यार को तो हम और तुम कुछ अच्छी तरह समझते हैं। कोई दिल बहलाने के लिए करता है, कोई शोहरत के लिए करता है, कोई पैसा कमाने के लिए करता है, कोई शर्त जीतने के लिए करता है, और एक आध बेवकूफ जान की बाजी भी लगा देता है। जान भी तो क्या रखा इन छोटी छोटी बातों में, ढलती हुई रात के और कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। लेट्स ड्रिंक, लेट्स डांस, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स हैव सम फन इन लाइफ। आंखों में रोशनी जरा कुछ चुप सी रही है। तुम्हारी खूबसूरती और इस हसीन मौसम में चार चांद लगाने के लिए हल्का हल्का म्यूजिक। देव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मैं तुमसे कह ना सकी। एक छोटी सी ठुकराई हुई लड़की ने फूल की शाख का सहारा पाकर अपना हशियाना बनाने की कोशिश की थी। वो बनाने भी न पाई थी कि उस आशियाने पर बिजली टूट पड़ी। अपनी बहन की बेचैनी उससे नहीं देखी जाती। बहन के आंसू दिल में तलवार बनकर उतर रहे हैं। उतरा उतरा चेहरा जैसे उसे खाई जा रहा है। अगर तुम उस लड़की से सचमुच प्यार करते हो तो वो लड़की तुम्हारे पांव पकड़कर भीख मांगती है। शीला को अपना लो, सारी जिंदगी एहसानमंद रहेगी। मोहब्बत की आबरू तुम्हारे हाथ है, उसे तुम पर बड़ा भरोसा है। देव, तुमने उसकी किसी बात पर ना नहीं की। एक आखिरी ख्वाहिश और पूरी कर दे जाओ, अब वो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तुम्हारी कसम कभी कुछ नहीं कहेगी। मोहब्बत के खातिर जान बेच सकता हूँ सोनिया, मगर मोहब्बत की शान नहीं बेच सकता। कल सुबह मैं यहाँ से चल जाऊंगा, और जब तक जान बाकी है तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। नहीं की। अगर मैं जान की बाजी लगा दूं तो ये बाजी भी तुमसे जीत सकती हो। जरा सी बात पर घबरा जाते हैं। आपके ख्याल में ये जरा सी बात है? सोनिया के खत से साफ पता चलता है कि वो चार दिन में लौट आएगी। जाने ये लड़की गई क्यों? शीला की खातिर कुर्बानी कर रही है, इतना भी नहीं समझती आप? मानती हूँ, लेकिन इस वक्त शीला की शादी का सवाल ज्यादा जरूरी है। अपनी बच्ची की शादी सोच सकती हैं आप, लेकिन दूसरे की बच्ची की मौत नहीं सोच सकती। और शीला ने जिद में आके जान दे दी तो?
शीला मेरी लड़की है, मर सकती है, लेकिन अपने स्वर्गीय बड़े भाई की निशानी को मैं हरगिज मिटने नहीं दूंगा। सोनिया को ढूंढने के लिए मैं पुलिस की मदद लूंगा। इसमें हमारी बदनामी है, हमारे सारे घर की बदनामी है, आप समझते क्यों नहीं? मैं सब समझता हूँ, लेकिन एक लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है और आप बदनामी लिए फिर रही हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हम सब उसे ढूंढ निकालेंगे, वो जरूर मिल जाएगी। जब से ये देव ने घर में कदम रखा है, जाने कैसी कैसी बातें हो रही हैं। दादी आपने सुना? मुझे सोनिया का खत मिल चुका है। मेरी वजह से उसकी जान जा रही है। कुछ बातें ऐसी हैं शायद मैं किसी से नहीं कहती, मगर आज के वाक्य ने तुमसे कहने पर मजबूर कर दिया। बेटा मैं बाहर से खुश और अंदर से बहुत ज्यादा दुखी औरत हूं। इन आंखों ने सोनिया की मां का घर तबाह होते देखा, उसको घुट घुट कर मरते देखा, बड़े बेटे का दाग देखा। तुम्हारी कसम मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन ये सोनिया मुझे मरने नहीं देती। और देखो तो बेटे खुद मरने चली गई। भगवान न करे अगर उसकी जान के साथ कुछ नेकी बदी हो गई तो तुम यूं न चले जाना, इस घर से एक अर्थी और उठा कर ले जाना। दादी मैं आपको वचन देता हूँ कि सोनिया की जान बचा लूंगा, और अगर न बचा सका तो इस घर से मेरी लाश बाहर जाएगी। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ शीला। माफी की क्या बात है, तुमने किया ही क्या है? शीला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा, शादी? क्यों मजाक कर रहे हो? मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहता हूँ शीला। सर अपने दिल पे हाथ रख के ये तो कह देना कि जो तुम्हारी जबान पर है वही तुम्हारे दिल में भी है। अगर दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो बदलते हुए जमाने की कसम, फिर तो न जीने में मजा आया और न मरने में। मजा तो जब है कि कुछ हसरतें पूरी हो जाए, कुछ अरमान निकल जाए, और कुछ अरमानों को पूरा करने की झूठी उम्मीद पर जिंदगी की बाकी दिन काट दिए जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अपने आप को फरेब देता है। यही फरेब तो इंसान को जिंदा रखता है शीला, नहीं तो दम निकल जाए आदमी का। बड़ी आरजू से तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं भी बड़े अरमान लेके आया था। फिर तुम बदले किस तरह? अब ये पूछने से क्या हासिल? तुमको जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे हुस्न का गुरूर बर्दाश्त कर सकेगा जवाब? किस गुरूर का जिक्र कर रहे हो, किस हुस्न का जिक्र कर रहे हो जिसको तुम्हारी बेवफाइयां मिटा चुके हैं? शीला चार दिन की जिंदगी में अच्छाई का बदला अच्छाई से दिया जा सकता है, किसी भी एहसान का बदला किसी और एहसान से दिया जा सकता है, पैसे से दिया जा सकता है, मीठी बातों से दिया जा सकता है, मगर एक चीज है और वो कहलाती है मोहब्बत, जिसका जवाब सिवाय मोहब्बत के और किसी चीज से नहीं दिया जा सकता। और वो मोहब्बत मुझे तुमसे कभी नहीं मिली, चोट खाई हुई तबीयत में दूसरा सहारा ढूंढ लिया, किस्मत को वो भी नामंजूर हुआ। तो मेरे पास क्यों आए हो? जाओ ना उस हसीन मल्ला के पास जिसने तुम्हारी किश्ती को तूफान में लाके छोड़ दिया। मैं तुमसे तूफान का शिकवा करने नहीं आया हूँ शीला। फिर क्यों आए हो? एक मासूम की जान बचाने। पढ़ो ये खत। चार दिन के अंदर अंदर घर हमारी शादी न हुई तो सोनिया जान दे देगी, और उसके बाद तुम भी जिंदा नहीं रह सकते। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर सोनिया के मर जाने के बाद तुमको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं जीने का हक है ना मरने का, आखिर मैंने किया ही क्या है? जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तुम पागल हो गए हो पागल। सच्ची बात कहने वाले पागल ही हुआ करते हैं। खामोश हो जाओ, मैं किसी की जिद बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिवाय अपनी जिद के, तुम्हारी जिद की वजह से किसी की जान जा रही है तुम्हें जरा परवाह नहीं। कोई मजलूम मर रहा है, तुम्हारे घर में दिवाली हो रही है, एक बहन शर्त जीतने के बाद तुम्हारी खुशियों पर अपनी जान निछावर कर रही है, और तुम दूर खड़ी हुई उसके मरने का तमाशा देख रही हो। शीला तुम उसे बचा सकती हो, सिर्फ तुम। बहन के नाते ना सही, इंसानियत के नाते बचा लो, शराफत के नाते बचा लो, आदमियत के नाते बचा लो।
शादी कर लो शीला, भगवान की सौगंध जो तुम चाहोगी वही होगा, जिधर तुम इशारा करोगी आंखें बिछा दूंगा, मैं तुमको सीने से लगाए रखूंगा शीला, जिधर तुम्हारे कदम उठेंगे मैं उस जगह को तुम्हारी कसम जन्नत बना दूंगा, जन्नत। के श्री राजपाल सिंह की लड़की मिस शीला सिंह की शादी मिस्टर देव कुमार मेहरा से कल रात को 8 बजे हो रही है। इस शादी की कमेंट्री कल रात को रेडियो से 8 बजे सुनाई जाएगी। शाम के 8 बजे हैं। अब हम आपको शिमले की एक रंगीन शादी का हाल इस तरह सुनाएंगे जैसे आप अपनी आंखों से देख रहे हो। शादी मशहूर जागीरदार मिस्टर देव कुमार मेहरा और श्री राजपाल सिंह की इकलौती बेटी शीला देवी की हो रही है। पूनम के चांद के 2 टुकड़े जो कुछ देर के बाद पूरा चांद बनकर एक दूसरे में मिल जाएंगे। लोगों ने दूल्हा का स्वागत किया। सब मेहमानों के दिल में एक बार फिर जवान होकर दूल्हा दुल्हन बनने की आरजू करवटे लेने लगी। जीवन में वफादार रहने की गांठें बांधी गई। मंत्र शुरू हुए। आकाश पे रंगीन बादल छाए हुए हैं। सजावट और रोशनी से यह जगह इस तरह तड़प रही है जैसे आशिक का दिल तड़प रहा हो। सभी के मुंह पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस मुबारक घड़ी के लोग सपने देखते हैं कि कब उनके बच्चे जवान होकर दूल्हा दुल्हन बन जाएंगे। मुबारकबाद की बारिश होने लगी। तोहफे दूल्हा दुल्हन के हाथ चूमने को बेताब नजर आने लगे। खुश नसीब है वो तोहफे जो इन सुंदर हाथों से मिलकर अपनी किस्मत पे नाज करते, मगर दूल्हा की निगाहें न जाने किसे ढूंढ रही। उसने घबरा के कहा, सभी ने हमें मुबारकबाद दी है मगर एक मुबारकबाद का कर्जा किसी पे उधार रह गया। अगर मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच रही हो तो उसे मेरी कसम मेरा कर्जा जरूर चुका दे। हेलो देव। हेलो सोनिया, कहाँ हो तुम? मुबारक हो देव। शुक्रिया, अब तो वापस आ जाओ, तुम्हारी जिद पूरी हो गई। माफ कर दो देव, इतनी दूर आ चुके हो कि अब वापस नहीं आ सकती। अगर ये सच है कि मरने के बाद आत्मा आत्मा से मिलती है तो अपने से, लेकिन कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर मिलेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम क्या कह रही हो सोनिया? भगवान तुम्हें सुखी रखे। सोनिया, सोनिया। सोनिया,
टेलीफोन एक्सचेंज? यस यस, थैंक यू। सोनिया का पता मिल गया, कहाँ है वो इस वक्त? सिटी डाक बंगलों में है। कहीं सोनिया हमारा खेल समझ तो नहीं गई कि रेडियो पर शादी का ड्रामा दरअसल उसका पता लगाने की तरकीब थी? नहीं शीला, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचना होगा, कहीं सोनिया खुदकुशी न कर ले। खुदकुशी न कर ले, घबराइए नहीं दादी, अभी तो रेडियो से देव का गाना आने वाला है, तब तक मामी देव वहां पहुंच भी जाएगा। आइए हम लोग भी चले। अब देव कुमार मेहरा को लोग मजबूर कर रहे हैं कि दूर दूर से आए हुए मेहमानों का एक तड़पते हुए गाने से स्वागत करें। आखिर मेहमानों ने मना ही लिया। यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें पुकारते चले गए, पुकारते चले गए। यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें पुकारते चले गए, पुकारते चले गए। यूं जिंदगी के रास्ते जो प्यार में गुजर गई वो जिंदगी थी जिंदगी, जो प्यार में गुजर गई वो जिंदगी थी जिंदगी। निखारते चले गए, निखारते चले गए, यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें पुकारते चले गए, पुकारते चले गए, यूं जिंदगी के रास्ते। प्यार का हवाओं दे दो रास्ता, कसम तुम्हें है प्यार की मैं दो दिलों का वास्ता। चला है राही प्यार का हवाओं दे दो रास्ता, कसम तुम्हें है प्यार की है दो दिलों का वास्ता। ये दो दिलों की बस्तियां मगर भंवर में कश्तियां, ये दो दिलों की बस्तियां मगर भंवर में कश्तियां। उतारते चले गए, उतारते चले गए, यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें पुकारते चले गए, पुकारते चले गए, यूं जिंदगी के रास्ते। तेरा साथ है और याद तेरी पास है, मिलेंगे जिंदगी में हम अभी तलक ये आस है। ख्याल तेरा साथ है और याद तेरी पास है, मिलेंगे जिंदगी में हम अभी तलक ये आस है। ओ सोनिया, ओ सोनी सोनी सोनिया, ओ सोनिया, ओ सोनी सोनी सोनिया, ओ सोनिया, ओ सोनी सोनी सोनिया। Thank you.
देव तुम? हाँ मैं। तुमने मुझे क्यों बचा लिया? इसलिए कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। पागल हो गए हो? तुम शीला के बन चुके हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अभी अभी आप रेडियो से देव कुमार मेहरा का लिखा हुआ ड्रामा शिमले की एक रंगीन शादी सुन रहे थे। ड्रामा? हाँ ड्रामा। और शादी कैसे होती? दुल्हन जो नखरे करके भाग गई थी। पागल हुई हो? तुम सचमुच प्यार करके इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकती हो, मैं बहन होकर इतनी सी जिद की कुर्बानी नहीं कर सकती। हो दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। ओहो आहा दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम।